इंस्पेक्टर बारा स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं जुहू एरिया से बोल रही हूँ, मिसेस ब्रगेंजा। बोलिए मिसेस ब्रगेंजा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मिसेस ब्रगेंजा, उस लड़की को पकड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हेलो, क्या मैं संध्या से बात कर सकती हूँ? संध्या, क्या नंबर डायल किया आपने? नो सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक्सक्यूज मी, यस, वो क्या है ना, बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, रास्ता भी बहुत सुनसान है। अगर आज रात आप मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दे दे तो। जी जी जी, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्रॉमिस। देखिए मैम, मैं बैचलर हूँ और मेरे ख्याल से आपका यहाँ रात भर रुकना ठीक नहीं होगा। देखिए मेरी बात तो सुनिए प्लीज मैम, आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी अकेली लड़की, प्लीज। मैडम आई एम सॉरी, आप प्लीज कहीं और ट्राई कर लीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या है मैम, देखिए मैंने कहा ना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मैम, प्लीज। देखिए प्लीज लिसन टू मी, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? फोन? क्या है, मैं घर पे फोन करके इतना बता दूं कि मैं रास्ते में फंसी हुई हूँ, तो शायद वो मुझे दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट कर दे, प्लीज। ओके आइए। थैंक यू। ये रहा। माय गॉड, आपका तो फोन डेड है। डेड? हाँ, अब क्या होगा, सारी रात बारिश में भीगना पड़ेगा। कैसा जमाना आ गया है, एक अकेली लड़की पूरी रात सड़क पे भीगती रहेगी और कोई उसकी मदद करने को भी तैयार नहीं। देखिए मैम, मेरे ख्याल से ये आपके पैर से ठोकर लग के इसका प्लग निकल गया है, वो देखिए, उसको लगा लें। थैंक यू। हेलो मम्मा, मैं यहाँ रास्ते में फंस गई हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, आप दूसरी गाड़ी भेज देंगे प्लीज?
अब मैं यहाँ किसी के घर से बोल रही हूँ. हाँ, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू. ओके, थैंक यू. मैंने मामा से बात कर ली है, वो गाड़ी भेज रही है. 20-25 मिनट में गाड़ी यहाँ आ जाएगी, तब तक मैं ये. अच्छी, माय गॉड, लगता है मुझे निमोनिया हो जाएगा. डॉक्टर ने मुझे भीगने से साफ मना किया था. आपके घर में टॉवल या कुछ मिलेगा? क्यों नहीं, वैसे भी आप काफी भीग गई हैं. बाथरूम में चली जाइए, वहीं टॉवल है. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. एक मिनट. आपको मालूम है कि बाथरूम कहाँ है? जी 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 नहीं. तो फिर पूछिए ना. आपके राइट साइड में जो बेडरूम है वहीं चली जाइए. थैंक यू. क्या हुआ, क्या हुआ? What happened? वो छिपकली. छिपकली? Oh God. आप छिपकली से डरती हैं? मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है. शा, शा. ये लीजिए, भाग गई. थैंक यू. और कुछ? आप बाहर जाएंगे, मुझे चेंज करना है. या श्योर. I'm sorry. आपको पूछे बगैर ही मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया. दरअसल मेरे कपड़े बहुत गीले हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें सुखाने रख दिया. I hope आपको बुरा तो नहीं लगा. वैसे मैम, आपको क्या लगता है कि आपके कपड़े 20 मिनट में सूख जाएंगे? 20 मिनट? जी हाँ, वो आपकी गाड़ी 20 मिनट में आने वाली है ना. वो बाद में मुझे ख्याल आया कि इतनी धुआंधार बारिश में कोई भी गाड़ी 2 घंटे से पहले नहीं आ सकती. आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई एंड अब शुरू ही नहीं हो रही है. चलिए चल के मैं देख लेता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए. आप? जी हाँ, गाड़ी की चाबी दीजिए. हाँ.
ओह माय गॉड, गाड़ी की चाबी तो मैं गाड़ी में भूल गई। ओह नो, अब क्या होगा? मैम आपने गाड़ी पार्क कहाँ की है? बाहर तो कोई गाड़ी नजर नहीं आती। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी गाड़ी पिछली क्रॉसिंग में खराब हो गई थी, मैं फोन की तलाश में यहाँ तक आ गई। आपकी लाइट जल रही थी इसलिए मैंने आपकी बेल दबा दी। अब मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सही बात है, ठीक है आपने। बाय द वे मैम, आपकी गाड़ी आएगी कहाँ? आपने यहाँ का एड्रेस तो बताया ही नहीं। हाँ वो नो प्रॉब्लम, मैं काम करता हूँ, आपके घर पे फोन लगा के यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, राइट? आपके घर का नंबर क्या है? वो 666666। कोई बात नहीं, अभी आपको नंबर याद नहीं आएगा, मैं रीडायल कर देता हूँ। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर मौजूद नहीं है। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर मौजूद नहीं है। कमाल है, जिस नंबर पर अभी अभी आपने बहुत सारी बातें की वो नंबर तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर आपने बातें किससे की? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने बात की। आपने किसी से कोई बात नहीं की, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ पर झूठ बोल रही हैं मिस, आपने किसी से कोई बात ही नहीं की। What do you mean by that? हाँ ये सच है कि मैंने आपसे झूठ कहा। दरअसल मैं एक हालत की मारी लड़की हूँ, मेरे चाचा मेरी शादी जबरदस्ती एक बुड्ढे से करना चाहते थे, मगर मैं उन्हें धोखा देकर घर से भाग आई हूँ, और अब उनके गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। गुंडों से बचते बचाते मैं पनाह की तलाश कर रही थी तो मैंने आपका घर देखा, इसलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। अगर मैं उन गुंडों के हाथ लग गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर्स में पिस्तौल रखकर भी आप गुंडों से डरती हैं? पिस्तौल? जी। इसका मतलब है आपने मेरा पर्स खोला, ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो आप झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, वो मेरे चाचा के गुंडे हैं। मैं ये बात सच है कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल इसमें रखी है, लेकिन मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको। एक्सक्यूज मी मिस, उस पर मत बैठिए, उस पर मेरी मॉडल्स के सवार कोई नहीं बैठ सकता। I'm sorry. इस वक्त यहाँ पे कौन होगा? जो भी हो मैं देखता हूँ। नहीं, शायद वही गुंडे होंगे, प्लीज। गुंडे? What rubbish! मेरा यकीन कीजिए, वही गुंडे होंगे, प्लीज आप। देखिए, जब तक जाके देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन है और वो चाहता क्या है? देखना तो पड़ेगा ही। Yes? पुलिस। पुलिस? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। दरअसल मैं कातिल का पीछा करता हुआ यहाँ पर आया, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी अपार्टमेंट की तरफ कहीं आया है। कातिल? जी, हो सकता है आपकी नजरों से बचकर वो यहीं के अंदर आकर छुप गया हो। इट्स नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, हम लोग तो कब से जाग रहे हैं, है ना डार्लिंग? यहाँ पे कोई नहीं आया। आर यू श्योर? जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, जस्ट अ मिनट, ये जो कह रही हैं ये। रिलैक्स डार्लिंग,
हम आपस की बात आपस में कर लेंगे, इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हो? इट्स ओके इंस्पेक्टर। एक देखिए प्लीज झगड़ा मत कीजिए, कूल डाउन, और खिड़की दरवाजे बंद करके रखिएगा। ओके ओके थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, टेक केयर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये इंस्पेक्टर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? यही कि उसे किसी खूनी की तलाश है। तो ये कि तुम गुंडों से बचकर नहीं बल्कि पुलिस से बचकर भाग कर गया। तुम्हें क्या, मैं खूनी लगती हूँ, कातिल लगती हूँ? एक शरीफ लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम? शरीफ लड़कियाँ अपने पर्स में पिस्तौल रखकर नहीं घुमा करती। मैंने आपसे कितनी बार कहा, वो पिस्तौल मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। अच्छा, तो फिर तुमने इंस्पेक्टर को ये जताने की कोशिश क्यों की कि तुम यहीं रहती हो? मैंने ऐसा कब कहा? सच को छुपाना झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है मिस। मैंने कौन सा सच छुपाया? तो ठीक है, मैं उस इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ और उसे ये बताता हूँ कि तुम अभी अभी यहाँ आई हो, फिर तुम उसे अपने चाचा की कहानी सुनाना, ठीक है? कम ऑन। लिसन, लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनिए। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। एक्सक्यूज मी सर, वो मैं तुम मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। मैं जानती हूँ जरा सी बात पे तुम नाराज हो जाते हो, मुझे पहचानने से भी इनकार कर देते हो, जैसे तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, हर रिश्ता तोड़ देते हो। Enough, enough! देखो, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फ़ोन। हाँ, कह दो कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं अभी अभी इस घर में आई हूँ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर, ये लड़की। छोड़ो अभी, इंस्पेक्टर को क्यों बीच में? Excuse me, I'm so sorry. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मिस्टर श्रीकांत, मिस्टर श्रीकांत, देखिए घर की बात घर में रही तो अच्छा लगता है, चार दीवारी में अच्छी लगती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, रिलैक्स मिस्टर श्रीकांत, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। प्रॉब्लम्स तो सब पे, देखिए ना मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है और गाड़ी में मेरे पास चार्जर नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए अगर आप अपना प्लग यूज करने दे दें तो। ओके, नो प्रॉब्लम, आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मिस्टर श्रीकांत, सो काइंड ऑफ यू। मिस्टर श्रीकांत, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? सिर्फ एक फोन। जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हाँ मावत, मैं बोल रहा हूँ, मावत में या रॉयल अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और मेरे पास सिर्फ दो लोग हैं और मुझे पूरे यकीन है कि कातिल यहीं कहीं छुपा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम एक सर्च पार्टी अरेंज करो और फौरन यहाँ पर आ जाओ। ओके, और मेरे मोबाइल पे फोन मत करना, मेरी बैटरी डाउन थी, मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके उनकी बिजली यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अगर अर्जेंट फोन करना हो तो तुम इस नंबर पे फोन करना। एक्सक्यूज मी, आपका नंबर क्या? 634-45-45-40-40। ओके मावत, और मैं यहाँ 10-15 मिनट हूँ सिर्फ। ओके My God, ये बरसात। I'm sorry, Mr. Shikant, मैं आपको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, it's all right. बाहर देखिए मौसम इतना खराब है और हमें इस मौसम में भी ड्यूटी पर जानी पड़ती है। This is our life. और एक कप चाय तक नसीब में नहीं हमारे। चाय? ऐसी क्या बात है? चाय आपको अभी मिल जाएगी? क्यों? इंस्पेक्टर साहब को चाय नहीं पिलाओगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम? साथ में मैं भी पी लूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं मिस्टर श्रीकांत, मैंने इसलिए नहीं कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था, आप लोग खाम खा जहमत उठा रहे हैं, प्लीज। मैं अभी लेके आती हूँ। इंस्पेक्टर, मैं आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये लड़की जो मेरे इफ यू डोंट माइंड, मैं उठा लूं? या प्लीज। हेलो, हाँ मावत बोलो। मावत, ये क्या हो गया तुमको? किस किस्म के बेहुदा सवाल पूछ रहे हो तुम? मावत, हमें कातिल को घेरे में ले रहे हैं और जाहिर उसके पास हथियार तो हो गई। मावत, तुम अभी वहीं बैठे हो, तुम मुझसे 10 मिनट पूछ रहे हो? व्हाट नॉनसेंस,
अगर 10 मिनट के अंदर हमने कातिल को घेरे में नहीं लिया तो हमारे हमारे ऐसे कातिल निकल सकता है। मोहम्मद, व्हाट आर यू टॉकिंग? इंस्पेक्टर साहब, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ खामोश रहो। इंस्पेक्टर फोन पे बात कर रहा है, शोर क्यों कर रही हो? मिस्टर श्रीकांत, आखिर बात क्या है आप लोग? देखिए ना, बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है। वो इंस्पेक्टर साहब, वहाँ किचन में कोई है। क्या? हाँ, मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है। What rubbish, वहाँ कौन हो सकता है? कातिल हो सकता है। कातिल? कातिल? यही था अभी, मैंने यही देखा था। यहाँ तो कोई नहीं। लेकिन मैंने खुद सुना है, अभी था यहाँ पे। ओफो, शेर की मौसी है बिल्ली मौसी। मैं पहले ही जानता था यहाँ कोई नहीं होगा। ये कभी तो छिपकली को देखकर चीखती है, कभी बिल्ली की आहट से घबरा जाती है। ये खामखा में परेशान करी है इंस्पेक्टर। मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? एक तो मैं घबराई हुई हूँ और तुम मुझे कब से डांट रहे हो, वो भी अनजान आदमी के सामने। अब तुम मुझसे इतना ही उब गए हो तो मैं चली जाती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, दिस इज तो टू मच। प्लीज मैम, रोएगी मत प्लीज। मिस स्नेहा अग्रवाल, अगर मिस जगन, आपकी शादी नहीं हुई अब तक? जी, अब क्या कह रहे हैं आप? अगर यही हाल रहा तो मेरी शादी कहां से होगी? ओ गॉड, ये लड़की पागल कर देगी। रिलैक्स मिस जगन, रिलैक्स। देखिए, आपको भी इनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आखिर लड़की है ये। मेरा मतलब है, देखिए अगर आप लोग इस तरह झगड़ा करते रहे तो फिर मैं चाय की उम्मीद छोड़ ही देता हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए मिस्टर जगन, हम लोग बाहर बैठते हैं, आइए। उफ, कमबख्ती मौसम, ये बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कातिल बरसात रुकने का इंतजार कर रहा है कि कब ये बरसात रुके और कब मैं यहां से निकलूं। इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर रही हूं। एक्चुअली ये जो लड़की है, हाँ? ये मेरी गर्लफ्रेंड, अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड साबित करने की कोशिश कर रही है। ये आपके यहाँ आने के जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ आई है, मैं इसे जानता तक नहीं। बिलीव मी, अरे हंस रहे? वो भी ये कह रहे थे कि थोड़ी देर के बाद आप उसे बात कहने वाले हैं। इंस्पेक्टर, बिलीव मी, आई एम सीरियस, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरे मैं उसका नाम तक नहीं जानता, ना वो मेरे बारे में कुछ जानती है। अच्छा, बिलीव मी, और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। वो कैसे? देखिए, उसको मैंने चाय बनाने के लिए भेजा, हाँ ओके, उसको ये नहीं पता है कि मैं किस तरह की चाय पीता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ब्लैक टी पीता हूँ। अभी वो चाय बना के लाएगी, आप देख लीजिए। श्रीकांत, चाय तैयार है। लीजिए, चाय का नाम लिया, चाय हाजिर। आई, अभी दूध का दूध पानी का पानी हुआ जाता है। आई, आई। चाय, चाय। थैंक यू वेरी मच मिस स्नेहा। गर्मा गर्म चाय। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप वहां मत बैठिए प्लीज। वहां सिर्फ मेरी मॉडल्स बैठ। I'm sorry मिस्टर श्रीकांत। श्रीकांत, तुम चाय क्यों नहीं पीते? मैं ऐसी चाय नहीं पीता, और तुम्हें क्या पता कि मैं कैसी चाय पीता हूं? खोल के तो देखो, ब्लैक टी विथ लेमन। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि I don't know. ये लड़की चाहती क्या है? लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, वो मैं नहीं करने वाली। Nice paintings. आपकी पेंटिंग्स बड़ी शानदार है मिस्टर श्रीकांत, आई मस्ट से, नाइस पेंटर। और ये उसे छोड़िएगा नहीं प्लीज, वो इनकम्प्लीट है।
और मैं इनकम्प्लीट पेंटिंग्स किसको देखने नहीं देता। ओह आई सी, ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में? अरे मैंने कहा ना कि वो इनकम्प्लीट है, नो आर्ग्यूमेंट्स। शांत 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 प्लीज। भाई हमने तो सुना था कि कलाकार जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब से मैं आया हूं मैं तो देख रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल चिड़चिड़ा रहे हैं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, एक्चुअली क्या है कि लड़की मुझे लगातार परेशान कर रही है। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी कोई भी चीज कोई टच करे, मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता मुझसे। ओके देन हेल्प विद योर थिंग्स। देखा देखा आपने, एक तो ये जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है और उसके बाद किस तरह बिहेव कर रही है मुझसे। मैम ये शिकायत तो मुझे भी आपसे। देखिए आपको कलाकारों का ध्यान रखना चाहिए, कलाकार जो होते हैं बड़े सेंसिटिव और कोमल से होते हैं। आपको एक्सक्यूज मी, देयर इज अ फोन कॉल, एक्सक्यूज मी मैं देखता हूं। ये हेलो, क्या मैं संध्या से बात कर सकती हूं? अजी एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं पूछता हूं। ये संध्या नाम की लड़की रहती कोई यहां पर? नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। 4-5 बार उसके लिए फोन आ चुका है, कह दीजिए रॉन्ग नंबर। अजी मेरा ख्याल ये रॉन्ग नंबर है। जी थैंक यू मिस्टर श्रीकांत, मैं जरा बाहर हो के आता हूँ, बाहर देखता हूँ क्या हाल चाल है। ओके ये क्या बेहूदगी है? गेट अप। आई सेड जस्ट गेट अप। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता? रिलैक्स श्रीकांत, उठ जाती हूँ यार, तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे इसमें कोई लाश है। ओह यू शट अप। तुम चाहती क्या हो? टेल मी क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं। डोंट टच इट। देखो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इंस्पेक्टर को जाकर सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। yes, मैंने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। लेकिन मिस्टर श्रीकांत, मैंने और एक बात आपसे झूठ कही है कि मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। आपने आदमी इस पूरे इलाके में फैला दो, मुझे पूरे यकीन है कि कातिल इसी एरिया में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन सर एक कातिल पिछले 3 घंटे से इस एरिया में छुपा हुआ है, अब इस 3 घंटे तक वो कैसे यहाँ छुपा रह सकता है इस घर में चोरों की तरह? हो सकता है किसी के घर में चला गया हो सकता है किसी घर में जबरदस्ती चला गया हो, या फिर उसका घर हो यहाँ पर। हमें एक घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन सर फिलहाल मेरे पास इतने आदमी नहीं है। तुम नाकाबंदी कर दो, हम सर सुबह करेंगे। यस सर। तुम्हें कातिल के बारे में कोई और क्लू मिला? कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना पता चला है कि कातिल कोई मर्द नहीं औरत है। आर यू श्योर? यस सर। वेल दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। ओह थैंक यू वेरी मच सर, इट्स माय ड्यूटी। गिव इट अप। ओके एंड बी हियर, आई विल बी बैक। ओके सर। इंस्पेक्टर एक मिनट। जाओ तुम। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप जिस कातिल की तलाश में हैं वो यही मेरे घर में है। आपके घर में? जी, जिस लड़की को आप मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं वो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर आपको मेरी बात यकीन ना हो तो आप उसका पर्स चेक कीजिए, उसके पर्स में एक रिवॉल्वर है। मुझे ऐसा लगता है जिस कातिल की आप तलाश में वो वही है, हो सकता है उसी रिवॉल्वर से किसी का कत्ल किया हो। उसके पर्स में रिवॉल्वर है? जी हाँ। मैं आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आइए आइए आइए, चल के देख लेते हैं। लगता है मुझे अब चलना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ऐसे भी क्या जल्दी है मिस ने यार, मुझे आपका पर्स चेक करना है। मेरा पर्स? जी। क्यों? बस करना है, मैं पुलिस के ऐसे से मांग रहा हूँ, आपको आपसे आपको देना पड़ेगा मुझे। दिखाइए। लेकिन लाइए। ये क्या मिस्टर श्रीकांत, इसमें तो आप तो कह रहे थे कि इसमें गन है, लेकिन इसमें तो कोई गन नहीं। देखिए आप खुद देखिए। इंस्पेक्टर मैंने अपनी आंखों से इसमें गन देखी थी। गन?
इसमें गन थी। कैसी गन? ये कह रहे थे कि आप एक गन कैरी कर रही हैं और उस गन से आपने खून किया है। What? जी। श्रीकांत, ये तुमने कहा कि इसमें गन है? अब तक तो मुझे लगता था कि तुम मुझसे सिर्फ नाराज हो, लेकिन लगता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और जब पीछा ही छुड़ाना था तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही चली जाती हूँ। इंस्पेक्टर, नाटक मैं नहीं, नाटक ये कर रही है। मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। इनफ इनफ, मैं अभी मेरे डैडी को फोन करती हूँ और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती हूँ ताकि तुम आजाद हो जाओ। अब मिस नेहा, हेलो हेलो पापा, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। आप ठीक कहते थे पापा, जिस श्रीकांत के लिए मैंने आपको अपने घर को छोड़ा है, आज वो ही मेरे लिए अजनबी बन गया है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा, मैं आ रही हूँ। इंस्पेक्टर, ये जो फोन पे बात कर रही है ना, ये सब ड्रामा है। ये जिस नंबर पे बात कर रही है वो नंबर मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो नंबर। सुनना चाहते हैं? मैं सुनाता हूँ। पापा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम हमेशा हर फैसला जल्दबाजी में लेती हो। शिकान के पास जाने का फैसला भी तुमने जल्दबाजी में किया और अब उसे छोड़ने का फैसला भी तुम जोश में ले रही हो। तुम एक बार मेरी उससे बात कराओ प्लीज। हेलो हेलो श्री, बेटा ये सब क्या है? अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, कब तक ऐसे झगड़ा करते? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब तुम मुझे भी नहीं पहचानते, यानी स्नेहा ठीक कह रही थी। देखा इंस्पेक्टर, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? इंस्पेक्टर, ये इसकी कोई चाल है। She's a crook. ये यहां थोड़ी देर रुकने के लिए आई थी और अभी। हेलो या संध्या? अरे मैं 50 बार कह चुका हूं कि यहां कोई संध्या नहीं रहती। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस घर में जब संध्या नाम की लड़की को रहती नहीं है, बार बार इस संध्या के फोन क्यों आ रहे हैं, वो भी इतनी रात गए? इंस्पेक्टर, ये सब कुछ इसका किया धरा है। ये जब से इस घर में आई ये मेरे लिए मुसीबत बन के आई है। अरे भाई, ये चाहती क्या है? बस बस श्रीकांत, बहुत हो चुका। अब मैं मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे भेजना ही चाहते हो ना, मैं चली जाती हूँ। ये लाइट चली गई। मिस्टर श्रीकांत, आप क्या करें? इंस्पेक्टर, छत की तरफ कोई गया है। एक मिनट, मैं देखता, अभी आता हूं। नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं। आओ, चलो नीचे आओ, चलो आ जाओ नीचे आइए। स्नेहा, ये असंभव की संभव। देखा इंस्पेक्टर, ये भागने की कोशिश कर रही थी ना। जस्ट शट अप। मैं ऊपर इसलिए गई थी, मुझे लगा कातिल ऊपर भाग गया है। गया नहीं, गई है। कातिल कोई मर्द नहीं, औरत है, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। रिलैक्स 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 मिस्टर श्रीकांत, जस्ट रिलैक्स। कातिल गया हो या गई हो, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है मिस नेहा? खून! क्या खून कैसे आया? मिस्टर श्रीकांत, ये खून नहीं है, ये रंग है। रंग है जी, देखिए ना। मुझे तो लगा जैसे सचमुच खून है। नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर गए मिस्टर श्रीकांत। दरअसल अंधेरे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है खून और रंग में। आपके पास कैंडल्स हो नहीं घर पर कहीं? हाँ हाँ, वो बेडरूम में है, मैं लेके आती हूँ। ये टॉर्च ले जाइए। थैंक यू।
हट। लाश, लाश। अरे डोंट शाउट, डोंट शाउट। ये लाश नहीं है, ये तुम्हें लाश नजर आ रही है? ये लाश नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये इन्हें लाश नजर आ रही है। अरे ये मैंने कोई ना जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मॉडल का काम करता है। अच्छा ये बताइए कि अगर आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं तो ये जनाना कपड़े कहाँ से आए? ये देखिए देखिए, ये क्या आप पहनते हैं? जी नहीं, मैं नहीं पहनता हूँ। ये कपड़े कभी कभी मेरी मॉडल्स के चेंज करने के काम आते हैं। अच्छा तो ये रुमाल कहाँ से आया? ये देखिए इसमें एस 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 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? जी नहीं, एस इनिशियल की कोई मॉडल मेरे यहाँ नहीं आती। एस से संध्या भी तो हो सकता है। अरे मैंने कहा ना कि ना तो मैं किसी संध्या को जानता हूँ ना किसी स्नेहा को जानता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये रुमाल इन्हीं का गिर गया होगा और ये खाम खाम ये इस तरह कर रही। ये 3 बजे अलार्म बजने का मतलब आप रोज रोज 3 बजे उठते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सोने के लिए अलार्म लगाया था। एक्चुअली काम करते करते कभी कभी मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रह जाता, इसलिए मैं ये अलार्म लगा देता हूँ। कमाल है, लोग उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, आप सोने के लिए अलार्म लगाते हो। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आप कलाकार लोग वाकई कमाल होते हैं, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। कौन संध्या? अब मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, यहाँ कोई संध्या नहीं रहती, ये बकवास कर रही है। ये संध्या है, वही संध्या, इस नागिन की वजह से हम दोनों के बीच में तकरार होती है, इसी की वजह से तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। Stop it! यही संध्या जिसके वो कपड़े हैं और रुमाल है, ये इस घर में रखेल बन के रहती है। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, सच है। ये नागिन पहले तुम्हारी मॉडल बनकर आई, फिर तुम्हारी रखेल बन गई। ये आवारा बच्चरन लड़की ने चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत ही नहीं, अपना ईमान भी बेच दिया है। Shut up! ये औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, बच्चलन है, आवारा है, आवारा। खबरदार, जो मेरी संध्या के बारे में एक और लफ्ज भी कहा तो मेरी संध्या देवी थी, देवी। वो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी जान थी, मेरी हर खुशी थी। मेरी संध्या ऐसी नहीं थी, मेरी संध्या ऐसी नहीं थी। लफ्ज यही लफ्ज मैं सुनना चाहता था, मेरी संध्या ऐसी नहीं थी। इस थी से आपका क्या मतलब है? स्पीक अप, स्पीक अप। Thank you.
जिंदगी का गला खोल दिया, मैंने उसे मार डाला, इन्हीं हाथों से मार डाला, मैंने इस संध्या को मार डाला। बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर, मैं बर्बाद हो गया, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। वो इसी बक्से में हमेशा बैठा करती थी, इसीलिए मैं इस पर किसी को नहीं बैठने देता। आज भी वो यहीं बैठी थी। हुई तो क्या हुआ, ये पेंटिंग भी नहीं बनेगी। संध्या, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें क्या पता ये पेंटिंग मेरे लिए मोनालिसा थी, मुझे वो कामयाबी दिला सकती थी जो आज तक किसी को नहीं मिली। तुमने मेरी तपस्या बर्बाद कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया संध्या? क्यों किया? क्यों किया? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? संध्या, मेरे जुनून ने मेरे होश आवाज छीन लिए थे। जब मुझे होश आया तो मेरी संध्या मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी थी। और तभी संध्या है? है जी। मैंने पूछा संध्या है? जी वो चली गई। चली गई? कैसे चली गई? मैं तो 2 घंटे से बाहर खड़ी हूँ, मैंने तो नहीं देखा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा ना, वो चली गई मतलब चली गई। अरे चिल्लाते क्यों हो, आहिस्ता से बात नहीं कर सकते? चली कैसे गई वो, मैं पूछती हूँ कैसे चली गई? अरे अपने पैरों से चलकर गई है, अब कैसी बातें कर रही है? मैंने तो जाते नहीं देखा। अब आपने नहीं देखा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उस वक्त लाश को ठिकाने लगाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने रात को 3 बजे का अलार्म लगाया, मगर लाश कहाँ है? इस बक्से में। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश इस बक्से में।
पंचनामा करो और पोस्टमार्टम करने का बंदोबस्त करो, क्विक। थैंक यू इंस्पेक्टर स्नेहा वर्मा। आप ना होती तो शायद बिना सुराग के मैं कातिल को घेरे में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। इंस्पेक्टर? यस इंस्पेक्टर स्नेहा वर्मा, क्राइम ब्रांच। आपके पड़ोसी की रिपोर्ट के बाद हकीकत जानने के लिए हमें ये सब खेल खेलना पड़ा। तो सुना होगा आपने मिस्टर श्रीकांत कि क्रोध बुद्धि का नाश करता है। बड़े दुख की बात है कि आपके गुस्से ने दो चीजों का लक ओढ़ दिया, एक आपकी कला का और दूसरे आपकी प्रेरणा का। यू आर अंडर अरेस्ट।